You know why this teenage girl would not deny Jesus? आपको क्या पता है कि ये जवान लड़की ने क्यों यीशु का तिरस्कार नहीं किया? You know why this man denied to take that 7 billion naira? क्या आपको पता है कि इस जवान व्यक्ति ने वो 7 billion naira क्यों नहीं लिए? Why he could have lived and his generations also would get plenty of money. और वो तो उस पैसे को ले सकता था, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पैसे को खा सकती थी। But he denied. लेकिन उसने उस पैसे के लिए मना कर दिया। Do you know why? आपको पता है क्यों? What would you choose when you are in such a situation? आप क्या चुनाव करेंगे जब आप एक ऐसी परिस्थिति में होंगे? Would you stand up for Jesus and say, "You may do anything with me, but I will not give up Jesus"? क्या आप खड़े होकर के कहेंगे कि तुम्हें जो कुछ भी मेरे साथ करना है तुम करो, लेकिन मैं यीशु का तिरस्कार नहीं करूंगा? The policemen are there or the soldiers are there with the gun pointing at you. और वो पुलिस और वो सारे सैनिक हैं आपकी ओर बंदूक को लिए हुए। But why they are not alone? और वो तो अकेले नहीं है। There are thousands and thousands of such people who love the Lord Jesus Christ, who rather give their lives away than denying Jesus Christ. लेकिन ऐसे कई हजारों से हजारों लोग हैं जो अपने जीवनों को देना पसंद करेंगे उसकी बजाय कि वो यीशु का तिरस्कार कर दें। You know why? आपको पता है क्यों? Have you ever asked this question? क्या आपने इस प्रश्न को कभी पूछा है? Why these Christians are so adamant? कि why Christians are so strong when their life itself is in danger? Why they still choose to die for Christ than deny him? क्या आपने इस प्रश्न को कभी पूछा है कि ये मसीही लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जब उनका जीवन भी खतरे में हो वो फिर भी यीशु का तिरस्कार नहीं करना चाहते? It is also true that many deny Christ. और ये भी सच है कि कई तो यीशु का तिरस्कार कर देते हैं। They give up on Christ and they walk away. और वो तो यीशु को छोड़ देते हैं और दूसरी ओर निकल जाते हैं। But then why there are millions of followers of Christ who rather die than deny Christ? लेकिन फिर भी वो लाखों लोग जो यीशु के लिए मरना पसंद करेंगे उसकी बजाय कि वो उसका तिरस्कार कर दें, क्यों? The reason is this, friend. The reason is this. ये कारण ये है. Your life here in this world is very short. आपका जीवन इस पृथ्वी पे तो बहुत छोटा है. It is not worth living without Jesus. और ये जीवन बिना यीशु के जीने के योग्य नहीं है। Because the Bible says. क्योंकि वचन बताता है। The world and all its splendor, with its silver and gold and riches and palaces, everything will perish. क्योंकि वचन बताता है कि ये संसार उसकी सारे पैसे और समृद्धि के साथ नाश हो जाएगा। You live for this world? क्यों, क्या आप इस संसार के लिए जीते हैं? Its pleasures are only momentary. क्योंकि इसकी जो बातें हैं, इसकी जो प्रसन्नताएं हैं, वो तो कुछ समय के लिए हैं। The riches are only momentary. और वो जो समृद्धि है, वो कुछ समय के लिए है। Yesterday's millionaires are so many, today's poor people. और जो कल लखपति थे, वो आज गरीब हैं। What happened to them? उनके साथ क्या हुआ? Where did that money go? उनका पैसा कहाँ गया? You know, the Bible tells us the truth. और जो वचन है वो हमें सच्चाई को बताता है। If you run after riches, अगर आप पैसे की ओर या समृद्धि की ओर भागेंगे, the pleasures of this life, और आप इस जीवन की लालसाओं के पीछे भागेंगे। In the book of Proverbs it says, और नीति वचन का जो पुस्तक है वो हमें बताती है, riches will take wings and fly away from you. ये जो समृद्धि है इसके तो पंख निकल आएंगे और ये उड़ जाएगी आपके पास से। And you don't know where the riches has gone. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा और ये समृद्धि कहाँ चली गई। The name and fame that this world can give you will vanish with no time. और वो नाम और वो प्रसिद्धि जो ये संसार आपको दे सकता है वो तो क्षण भर में गायब हो जाएगा। And you wonder where they have gone. और आप सोचेंगे ये सब कहाँ चला गया? Nothing of this world gives you that comfort, that peace, that joy. और इस संसार की कोई भी बात आपको वो आनंद और वो शांति नहीं दे सकती जो प्रभु यीशु में है। Why? क्यों? Because Jesus Christ has given us a life beyond this life. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक जीवन दिया है इस जीवन से आगे बढ़के। There is a hell.
और यहाँ एक नर्ग है there is a heaven. और एक स्वर्ग भी है Where do you want to spend your eternity? आप अपने अनंत जीवन को कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं? Both are eternal places. और ये दोनों ही अनंत की जगहें हैं. Where will you spend your eternity? आप अपने जीवन को कहाँ बिताएंगे? To go to hell, you don't need to do anything. और नरक जाने के लिए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. You were born. आप पैदा हुए. And as you were born, you are living in this world. और जैसे आप पैदा हुए उसी प्रकार से आप इस संसार में जीने लगे like any others. जैसे और भी लोग कर जीते हैं you do what you want to do. आप करते हैं उन कार्यों को जो आप करना चाहते हैं you go where you want to go. आप जाते हैं वहां जहां आप जाना चाहते हैं Enjoy the pleasures of this life. और इस संसार और इस जीवन की सारी लालसाओं का मजा लेते हैं And enjoy your drinks and enjoy the drugs and enjoy whatever you want. और शराब और हर प्रकार के नशे का आप मजा लेते हैं. That will take you into hell. ये सारी बातें आपको नरक की ओर ले जाएंगी. But to go to heaven to eternal life. लेकिन स्वर्ग जाने के लिए अनंत जीवन पाने के लिए there is a preparation. एक तैयारी की आवश्यकता है. And this short life is the only time available to prepare yourself for eternity. और ये छोटा सा जीवन जो हमारा पृथ्वी पर है यही वो समय है जब हम खुद को उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं. You say I am going to be religious. आप कहते हैं कि मैं तो एक धर्मी जन होना चाहता हूँ. Religion will never take you to heaven. और ये जो धर्म है ये आपको कभी भी स्वर्ग के पास नहीं ले जाएगा. You can be very religious. आप तो बहुत धार्मिक हो सकते हैं. Do good things. आप अच्छे कार्यों को करते and हैं. You are satisfied. और आप तृप्त हो या खुश हो जाते हैं. That is religion. ये है धर्म. The religion will never take anybody into heaven. लेकिन ये धर्म किसी को भी स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएगा. And so I say, Jesus Christ came from heaven not to found any religion. इसलिए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया किसी धर्म की स्थापना को नहीं करने. Christian faith is not a religion. और ये जो मसीही विश्वास है ये एक धर्म नहीं है. It is a personal experience with a personal God. ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव है एक व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ. We all are sinners. Drawn away from God. हम तो सब पापी हैं जो परमेश्वर से अलग हो गए थे. And the devil controls us. और जो शैतान है उसने अपना नियंत्रण हमारे ऊपर रखा था. So we need to make a change in our life. इसलिए हमें एक बदलाव की आवश्यकता है हमारे जीवनों में. So God Himself made this plan for your salvation and your restoration to God. और इसलिए परमेश्वर ने खुद यह योजना बनाई हमारे उद्धार के लिए और हमारे छुटकारे के लिए. So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. और यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ. No one can come to God but by me. कोई भी पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकता सिवाय मेरे से. Because there is a sacrifice involved in your forgiveness of sin. क्योंकि एक बलिदान की आवश्यकता थी आपकी पाप की क्षमा के लिए. So Jesus did not die for a good cause. और यीशु मसीह किसी अच्छे या भले कार्य के लिए नहीं मरा. He did not die a martyr's life. और वो तो एक शहीद के रूप में नहीं मरा. He died a sacrificial death and that sacrifice was meant for the forgiveness of our sin. वो तो एक बलिदान की मृत्यु को मरा और वो एक ऐसा बलिदान जो हमारी पापों के क्षमा के लिए था. Humanity's sin. मानवता के पापों के लिए. And he is the savior of the entire human race. और वो तो उद्धार करता है छुटकारा देने वाला है पूरी मानवता का. He makes no distinction. और उसने किसी को अलग नहीं किया. You are poor, you are middle class, you are high class, you are millionaires, you are poor, beggars. He has no difference. उसने किसी के संग कोई भेदभाव नहीं किया कि तुम गरीब या तुम अमीर या तुम ऊंचे स्तर या नीचे स्तर के. Everyone born in this world is he carries the image and likeness of God. और हर कोई जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है वो परमेश्वर के मूरत को अपने अंदर लेकर के चलता है. And so Jesus came as our savior. और इसलिए यीशु हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया. He died and shed his blood and then he rose again. वो मरा उसने अपने लहू को बहाया और फिर से तीसरे दिन जी उठा. So he's not a God someone who died and then gone.
वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो मरा और वो चला गया. He died, that is sure. He died for our sin. हाँ, वो मरा ये तो सत्य है, लेकिन हमारे पापों के लिए मरा. He carried the burden of my sin and your guilt upon himself. और उसने हमारे पापों का बोझ और उस दोष को अपने ऊपर उठा लिया. So that's why we need to come to him and acknowledge him as our Lord and Savior. इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम उसके पास आएं और उसे अपने उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता के रूप में अंगीकार करके अपनाएं. I pray this morning that some of you, perhaps you have no personal knowledge or relationship with God. और हो सकता है कि आज की सुबह आप में से कुछ हैं जिनका एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है या आप उसे नहीं जानते. Your life needs to be changed. आपके जीवन को बदलने की आवश्यकता है. That means your heart must be changed. इसका मतलब यह है कि आपका हृदय का बदलना जरूरी है. The Bible says heart is the most wicked thing. और वचन तो बताता है कि यह हृदय तो सबसे दुष्टता दिखाने वाला जगह है. Who can understand its depth? क्योंकि इस दिल की गहराइयों को कौन समझ सकता है? Because every imagination and the evil comes out of your heart. क्योंकि सारी वो सोच और बुराइयां तो इस हृदय से ही बाहर आती हैं. So religion changing is useless and we don't encourage anybody to change religion. इसलिए धर्म बदलना तो बेकार है और इसीलिए हम किसी को ये प्रोत्साहन नहीं देते कि वो धर्म को बदले. You can change a million religion. You can jump from one religion to another religion to the next religion and keep on changing. It will not make any difference in your life. और आप तो लाखों धर्मों को अपना सकते हैं और बदल सकते हैं और एक से दूसरे धर्म में जा सकते हैं, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होगा. Heart remains as wicked. जब तक आपका हृदय में वो दुष्टता है, nothing can change your heart. आपके हृदय को कोई नहीं बदल सकता. Only the power of the sacrifice of Christ for your sin. सिर्फ वो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा है, वही हमारे हृदयों को बदल सकता. So we don't have to reject Christ. इसलिए हमें यीशु का तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है. Only way of eternal life. क्योंकि वो ही एक मार्ग रास्ता है उस स्वर्ग की ओर. So come to him. इसलिए आप उसके पास आ जाएं. And be saved. और बचा लिए जाएं. Saved from what? बचा लिए जाएं किस बात से? From sin. पाप से. From wickedness. दुष्टता से. And from the power of sin. और वो पाप का सामर्थ्य से. And from the power of the evil one, the devil. और उस शैतान के सामर्थ्य से. And be changed. और बदल दिए जाएं. Experience that change in your life. उस बदलाव का अनुभव हम अपने you जीवन में कर पाएं. You will never be the same again. और आप फिर से एक जैसे नहीं रहेंगे. And along with that. और इसके साथ साथ. There is a peace that comes. एक शांति है जो आती है. There is a joy. एक आनंद आता है. If you find Jesus, you find meaning and purpose in your life. जब आप यीशु को पा लेते हैं तो अपने जीवन में एक उद्देश्य को पा लेते हैं. And then you begin to worship God. और उसके बाद आप परमेश्वर का आराधना करना शुरू करते हैं. Not just praying. सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं. Worshiping. लेकिन उसका आराधना. Worshiping is giving oneself in total being to the lordship of Jesus. और आराधना का मतलब तो ये है कि हम खुद को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें. Our body is very precious. हमारा शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है. Then it is the temple of the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है. And by that Spirit, Jesus the Savior Himself lives in us. और उस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता खुद हमारे अंदर रहता है. His presence within us cast away all the fears from us. और उसकी उपस्थिति जो हमारे जीवन में है वो हर एक भय को दूर कर देती है. Where there is hatred, it is replaced by love. और जहां पर नफरत है उसको वो प्यार में बदल देता है. Where there is unforgiveness, it is replaced by forgiveness. जहां पर ना माफ करने की आदत है वहां वो माफी की आदत को ले आता है. Where there is no respect, it is replaced with respect and honor. जहां पर अनादर है वहां वो आदर को ले आता है. Then the opposite sex members will not be an object of your carnality, your
evil desires. और हम जब दूसरे लोगों को फिर हम नैतिक रूप से सही नजरों से देखते हैं, लालसा से नहीं. You will be filled with the love. आप उस परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं. You know what the Bible teaches us? आपको पता है वचन हमें क्या सिखाता है? You don't look at an opposite sex with evil eyes. आप हम किसी दूसरे जो लिंग की ओर बुरी नजरों से नहीं देखना है. You know that the elderly person. जो वृद्ध लोग हैं. If I see someone older than I am. If मैं यदि किसी बड़े व्यक्ति को देखता हूँ जो मुझसे भी बड़े हैं. I consider her as my mother. मैं उसे एक माँ के समान मानता हूँ. Or as my father. और या एक पिता के रूप में. Or as my older brother. या एक बड़े भाई के रूप में. That's the way we look at each other. और इसी तरीके से हमें एक दूसरे की ओर देखना है. I will not dishonor my sister. मैं अपनी बहन का अनादर नहीं करूँगा. I will not dishonor my mother. मैं अपनी माता का अनादर नहीं करूँगा. I respect. मैं उनका आदर करूँगा. And I honor them. और मैं उनका आदर करूंगा. That's what this Bible teaches. और इसी बात को ये वचन या बाइबल हमें सिखाता है. And that changes people. और यही बात लोगों को बदलती है. Murderers are converted into true lovers of people. और जो खूनी हैं वो बदल जाते हैं सच में प्रेम करने वाले लोगों से. That's what the Bible teaches. और इसी बात को वचन भी सिखाता है. And if that is considered to be wrong in India, और यदि इस बात को गलत समझा जाए भारत में, then what is good? तो अच्छाई है क्या? We don't do anything wrong. हम तो कुछ भी गलत नहीं करते. We pray for people. हम तो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए. We cast out demons from those who are demon possessed. हम तो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं उनके अंदर से जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं. And we never call people to change their religion. और हम तो लोगों को इसलिए नहीं बुलाते कि वो अपने धर्म को बदले. Because change in religion will not change me. क्योंकि धर्म बदलने से मैं नहीं बदल जाऊंगा. It is my heart that needs to be cleansed and changed. लेकिन ये तो मेरा हृदय है जिसे बदलने और शुद्ध करने की आवश्यकता है. We become worshippers of God. और जब हम परमेश्वर की आराधक या आराधना करने वाले हो जाते हैं. Tremendous power in that worship and in that singing for the Lord. और तब हमारी उस आराधना या गीत गाने में एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य आ जाता है. So turn to Book of Acts chapter 2. इसलिए हम प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय को खोलें. We will just read 2-3 passages and then we will pray. और हम सिर्फ दो या तीन वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे. In chapter 2, for the first time, the Holy Spirit came from heaven upon the church. और दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि पहली बार पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरता है. So chapter 2 verse 4 says. और दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन कहता है. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए. वे सब किससे भर गया? पवित्र आत्मा से भर गए. अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप भी पवित्र हो जाएगा. आमेन. क्या आप पवित्र होने में होने गलत है क्या? वो पाप है क्या? तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग क्या एक किचन नाइफ भी हमारे पास रखते नहीं है. अगर कोई हमें मार डालेंगे हम कहेंगे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर गॉड ब्लेस यू. दैट्स व्हाट वी से. और कोई यदि हमें मारे भी फिर भी हम कहते हैं प्रभु आपको आशीष दे जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. वी लव पीपल. और हम तो लोगों से प्रेम करने वाले लोग हैं. We want to see them changed. और हम तो देखना चाहते हैं उन्हें बदलते हुए. हालेलुया. थीव्स आर चेंज्ड एंड दे बिकम चैरिटी पीपल. और जो चोर हैं वो भी बदल जाते हैं और वो अच्छे कामों को करने वाले लोग हो जाते हैं. Murderers are converted and they become lovers of people, going around helping people to find. और जो वो खूनी हैं वो भी बदल जाते हैं ऐसे लोगों के समान जो दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं और अच्छाई के काम को करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. And immoral people are converted and they become protectors of people who are attacked.
अनैतिक जो लोग होते हैं वो भी बदल जाते हैं और लोगों से प्रेम करने वाले उनके संग सहभागिता करने वाले हो जाते हैं. There is only hope for India. यही एकमात्र आशा है भारत के पास. The gospel message of Jesus Christ. ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का. That only can change people. यही एकमात्र तरीका है जो लोगों को बदल सकता है. A corruption will only increase as long as there is a heart change. और भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जाएगा जब तक वो दिल का बदलना नहीं होगा. We are naturally greedy people. हम तो वास्तविक या सांसारिक रूप से जो है लालसा रखने वाले या लालच रखने वाले What लोग can हैं. Change us? और कौन सी बात हमें बदल सकती है? The love of Jesus Christ. लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का प्रेम. Hallelujah. 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 Don't you like to praise the Lord? Amen. And then what happened? They were all filled. वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गया और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे. पवित्र आत्मा ने इनको सामर्थ्य दी क्या के लिए? अन्य अन्य भाषा में बोलने के लिए. और अन्य अन्य भाषा बोल के क्या करते थे? पवित्र पवित्र परमेश्वर की परमेश्वर की महिमा के बारे में गाते और सुनाते. That is worship. यही है आराधना. And people were amazed. और जो लोग थे वो तो भौचक्के रह गए. And then what happened at the end? और अंत में क्या होता है? Let us read verse 40. आइए हम 40वें वचन को पढ़ें. 141. और 41वें वचन को भी. उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ. अपने आप को ये टेढ़ी जाति से बचाओ. टेढ़ी 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 जाति से बचाओ. हम कहाँ रहते हैं? टेढ़ी लोगों के बीच में रहते हैं. सच है या नहीं बताइए. अरे कैसे आत्मा है ये एक आदमी में जो 5 महीने का या 6 महीने का एक लड़की छोटी छोटी बच्चे नन्हे मुन्ने से रेपिंग करके उनको मार डालते हैं? कैसे आत्मा है ये? That is टेढ़ी क्या जाति जाति. You and I need to think very seriously. आपको और मुझे ध्यान पूर्वक सोचने की आवश्यकता है. We are living among such people. हम तो ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं. The last few months, what has been happening in Lucknow itself? Forget about other cities. आप पिछले बीते महीनों में देखें जो लखनऊ में हो रहा है. Raping. बलात्कार. And killing. और वो खून. For no reason, just kill. Whenever you want to kill somebody, you just kill. और इसका कोई कारण नहीं है लेकिन जब कभी भी मन हुआ किसी का भी खून कर दिया. टेढ़ी जाति. इसके लिए कोई रिलीजन नहीं है. मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो. डोंट थिंक ऑल द पीपल हू हैव अ क्रिश्चियन नेम दे आर ट्रू क्रिश्चियन. आप ऐसा ना सोचे जिनके पास मसीही नाम है वो सब के सब मसीही हैं. दे हैव अ नेम. उनके पास नाम तो है लेकिन क्राइस्ट से कोई मतलब ही नहीं है. That is the problem. It is not your religion that matters. और यही वो समस्या है कि ये आपका धर्म नहीं है. Save yourself from this टेढ़ी जाति. आप अपने आप को बचाएं इस टेढ़ी जाति से. We are living among them. क्योंकि हम उन्हीं के बीच रह And रहे हैं. And we are victims. Of the activities of these people. और हम तो खुद इन लोगों के कार्यों का सामना करते हैं. One girl is married. एक लड़की की शादी होती है. एक महीने के अंदर उनको घर वापस भेज जाते हैं. Run to her mother's home. और एक महीने के अंदर ही उस लड़की को उसके माँ के घर वापस भेजा जाता है. Why? क्यों? हाँ? आपको मालूम है ना? What is this? ये सब क्या है? Then burning,
और जला देना डर्टी जाति. Who can save us? कौन हमें बचा सकता है? What can change a man? और कौन सी बात मनुष्य को बदल सकती है? Not man's power. और ये तो मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं. Not education. और ना ही ये शिक्षा है. Not your high caste or low caste condition. और ना ही आपका बड़ा या छोटा स्तर. One example I will tell you. एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ. I say this example a number of times. और मैं इस उदाहरण को कई बार दे चुका हूँ. The police saw a man going around on railway tracks and stealing nuts and bolts and all that. और पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उस रेलगाड़ी की जो पटरी है उस पर जा करके वहाँ के नट और बोल्ट को या पटरी के सामान को चुरा रहा था. And they caught him. और उसको पकड़ लिया. And the judge said. और जो वहां के न्यायाधीश थे, अरे व्हाट दिस पुअर फेलो, यू नो व्हाट ही नीड्स इज एजुकेशन. और वहां के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि अरे इस व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता. अगर इनके पास कुछ और थोड़ा सा शिक्षाएं हैं, सर्टिफिकेट, कुछ लोग सर्टिफिकेट करते हैं, यू नो सर्टिफिकेट है, तो इनको कोई नौकरी मिल जाएगा. नौकरी मिल जाएगा. और ये चोरी नहीं करते नट्स एंड बोल्ट एंड सो, लेकिन इनके पास पैसा है नहीं, कहाँ जाके पैसा कॉलेज डिग्री बनाए. सो गवर्नमेंट सरकार ने ये योजना ली, इनके लिए सरकार पैसा देगा. तो ही वेंट टू कॉलेज और इसलिए वो कॉलेज गए एंड ही बिकेम अ पोस्ट ग्रेजुएट. और उन्होंने जो है अपना स्नातक जो स्थान था उसकी डिग्री को पा लिया. नहीं एमए, डबल एमए. और परस्नातक यानी डबल एमए कर लिया. सो ही केम एंड ही गॉट अ ग्रेट जॉब. और वो वहां से ग्रेजुएट होकर के आए और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई. एंड ही डिड इंजीनियरिंग आल्सो. और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी किया. सो नाउ ही इज अ बिग मैन. अब वो एक बड़े व्यक्ति बन गए. बट नाउ व्हाट इज हिज जॉब. लेकिन अब उनका काम क्या है? Contractor's job. जो ठेकेदार होते हैं वो कार्य है उनका. What kind of contracting? किस प्रकार का ठेकेदारी करना? Now he doesn't steal just nuts and bolt. अब वो सिर्फ वो छोटे छोटे नट या बोल्ट नहीं चुराते. Nuts and bolt of the railway tracks. और वो जो रेलगाड़ी का जो पटरी होती है उसके नट को नहीं चुराते. That when he was not educated. वो तो तब करते थे जब उनके पास शिक्षा नहीं थी. Now he is educated. ना अब तो उन्हें पढ़ा दिया गया. Big degree. अब उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है. Now he doesn't steal nuts and bolt. अब वो छोटे छोटे नट या बोल्ट नहीं चुराते. He steal the whole railway track. अब तो वो पूरी पटरी को ही चुरा लेते हैं. That's what education did. और इसी को शिक्षा करती है. Where are their money stacked up? उनका पैसा कहाँ इकट्ठा हुआ है? इंडिया में नहीं, भारत में नहीं है, स्विस बैंक में. Today there are a few dozens of big company owners. They are hiding. और आज के दिन हम देखते हैं कई बड़े बड़े कंपनियों के मालिक यहाँ से भागे हुए हैं. वेयर आर दे हाइडिंग? और कहाँ पर छुपे हुए हैं? इन सम फॉरेन कंट्रीज. और किसी बाहर के देश में. एजुकेशन विल नॉट चेंज अ पर्सन. एजुकेशन विल मेक हिम ओनली मोर ग्रीडी. और शिक्षा किसी के दिल को नहीं बदलती या किसी के मनुष्य को नहीं बदलती, लेकिन उसको और लालची बना देती है. अपने आप इस टेढ़ी जाति से बचाओ. हाउ? बाय कमिंग टू जीसस एंड रिपेंटिंग एंड आस्किंग हिम टू कम इनटू योर लाइफ एंड चेंज. कैसे बचाना है? इस प्रकार से कि हम यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा कर दे और हमारे जीवन में so आ जा. इन वर्स 40 से और 40वें वचन में लिखा है. And with many other words did he testify and exhort, saying, "Save yourself from this untoward, crooked generation." कि खुद को तुम इस टेढ़ी जाति से बचाओ. And verse 41.
और 41वें वचन में When they that gladly received his word were baptized and the same day there were added unto them about 3,000 souls. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए. Because they cried and asked. क्योंकि उन्होंने रो रो करके मांगा. Verse 37. 37वें वचन में When they heard these words, जब उन्होंने इन बातों को सुना they were pricked in their hearts. उनके हृदय छिद गए. You will not be pricked by reading fiction stories and novels and reading bhajans and etc. और आप अगर अन्य अन्य पुस्तक या आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उनसे आपके हृदय नहीं छिदेंगे. You will prick in your heart when you come face to face with a holy God. लेकिन आपके हृदय तो छिद जाएंगे जब आप आमने सामने होंगे उस पवित्र परमेश्वर के. You are standing before a holy God. जब आप उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होंगे. And in the brightness of His holiness. और उसकी महिमा की पवित्रता में. You will see yourself. आप खुद को देखेंगे. And you will cry out. और तब आप रोएंगे. I am guilty. कि मैं तो सच में दोष लगाने योग्य हूँ. My life is ruined. और मेरा जीवन बर्बाद हो गया. What shall I do to be saved? और मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए? And then Peter said unto them. और तब पत्रस ने उनसे कहा. Repent. कि तुम मन फिराओ. And be baptized. और बपतिस्मा लो. Every one of you in the name of Jesus Christ. और यीशु के नाम में. For the remission of your sin. तुम्हारे पापों से छुटकारे के लिए. And you will receive the gift of the Holy Spirit. और तब तुम्हें पवित्र आत्मा का वो वरदान मिलेगा. Hallelujah. Hallelujah. That is a new person. ये है एक नया मनुष्य. Which spirit lives in us. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है. Let it be the Holy Spirit from a holy God. होने दे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवित रहे. That is your need. यही हमारी आवश्यकता है. You need to receive the Spirit of God who is holy. हमें तो परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है जो पवित्र है. What kind of God we want? किस प्रकार के परमेश्वर की जरूरत हमें है? We want a God who will allow us to do whatever we want and go whatever where we want to go. लेकिन, That's the kind of God we want. लेकिन हमें तो एक ऐसे परमेश्वर की जरूरत है. हम चाहते हैं ऐसे परमेश्वर को जो हमें करने दे जो हम करना चाहते हैं और जाने दे जहां हम जाना चाहते हैं. The God of the Bible is not like that. लेकिन इस बाइबल का जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है. The God of the Bible has His life to impart on you. लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर है उसका अपना जीवन वो आपके जीवन में लाना चाहता है. You know what he does? आपको पता है वो क्या करता है? He will kill your life. वो पहले आपके जीवन को मार देगा. And replace your life with his life. और आपके जीवन से अपने जीवन को बदल देगा. Hallelujah. Hallelujah. That's what happened to many of you. और इसी बात को हम आपके जीवन में भी देखते हैं. Let his life come and begins to abide in me. जब उसका जीवन हमारे जीवनों में खुद आके रहने his लगता है. His life is a holy life. और उसका जीवन एक पवित्र जीवन है. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." और यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ. Amen. Let him who is truth come into you. और होने दे कि वो जो सत्य है वो आपके अंदर रहे. Then lie will find no place in you. और होने दे झूठ आपके अंदर कोई जगह ना पाए. Let he who is the way come in front of you and you begin to walk in that. और होने दे जो खुद मार्ग है वो आपके सामने आ जाए और आप उसके मार्ग पर चलें. And when the Spirit of God comes. और जब परमेश्वर का आत्मा आता है. He himself creates a worship in you. वो खुद आपके अंदर एक आराधना के भाव को लाता है. And there is a new song to sing. और तब एक नया गीत गाने के लिए आता है. So when you begin to worship with that new worship that is given to you by the Holy Spirit. और जब आप उस नई आराधना के द्वारा परमेश्वर का आराधना करते हैं जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया है. And God gives you a new song. Song to sing. और परमेश्वर आपको एक नया गीत देता है गाने के लिए. The song of a high and mighty God. वो गीत जो उस बड़े और महान परमेश्वर का है. God's song.
परमेश्वर का गीत एंड व्हेन यू सिंग इट अनटू द लॉर्ड और जब आप उस गीत को परमेश्वर के लिए गाते हैं एंड वर्शिप दिस गॉड इन स्पिरिट और जब इस परमेश्वर का आराधना और आत्मा कर आत्मा में आराधना करते हैं दैट वर्शिप हैज अ लिबरेटिंग पावर और इस तरीके की आराधना में आजादी देने का सामर्थ्य है दैट वर्शिप विल सेट यू फ्री फ्रॉम योर बॉन्डेजेस और ऐसी आराधना आपको सारे बंधनों से छुटकारा दे देगी दैट वर्शिप विल सेट यू फ्री फ्रॉम योर और ऐसी आराधना आपके सारे भय को दूर कर देगी worship will set you free from all your anxieties and all your doubts और ऐसी आराधना आपके सारे जो भेद हैं या सारे जो भय हैं उनसे आपको दूर कर देगी that worship and songs will lift you from this earth and bring you before the very throne of God और ऐसी आराधना आपको इस पृथ्वी से उठा करके परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने ले आएगी hallelujah and as you sing and continue to worship और जैसे आप गाते हैं और निरंतर गाते रहते हैं Your character is changed. आपका चरित्र बदल जाता है. Your desires are changed. आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं. Your attitude is changed. आपका स्वभाव बदल जाता है. And everything about you changes. और आपके बारे में जो सारी बातें बदल जाती हैं. I am not saying all the problems will be gone. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारी समस्या दूर हो जाएंगी. You will still have problem. आपके पास फिर भी समस्याएं होंगी. And you will have more problem. और हो सकता है और ज्यादा समस्याएं आए. If you follow Christ. जब आप यीशु के पीछे चलें. But लेकिन there is such a joy एक ऐसा आनंद आ जाएगा that you are fully satisfied with God himself कि आप प्रभु यीशु में पूरी रीति से तृप्त हो जाएंगे girls do not have to go out with the boys to find satisfaction in life और लड़कियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी लड़कों के साथ कि वो उस इच्छा पूर्ति को करें you don't have to seek new friends who will take you into the drinking place और आपको नए दोस्तों की पाने की आवश्यकता नहीं होगी जो आपको नशा करने के लिए ले जाएं to find excitement और वो आनंद की ओर ले जाएं I am not saying it will not give you excitement but how long that excitement will last मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि ये बातें आपको वो आनंद नहीं देंगी लेकिन ये आनंद कितनी देर तक मिलेगा few minutes कुछ क्षण के लिए after that you go back to the same condition इसके बाद आप फिर से पुरानी स्थिति में चले जाएंगे the holy spirit And the joy you receive through worship of this God. और वो पवित्र आत्मा उस आनंद को हमें देती है जो हम जो परमेश्वर की आराधना में जब हम करते हैं. Okay, then in chapter 4 of Acts. और प्रेतों के कार्य उसके चौथे अध्याय में द चर्च वॉज परसिक्यूटेड और चर्च जो कलीसिया है उसके ऊपर सताव आया. The disciples were beaten up. जो चेले थे उन्हें मारा गया. And after getting the beating, और मार खाने के बाद, they came back. वो सब वापस आए. And joined with the other disciples. और जो दूसरे चेले थे, उनके संग जुड़ गए. Verse 24. और 24वें वचन में रीड यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया एंड या तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों को ने क्यों व्यर्थ बातें सोची प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करें अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए यस कंटिन्यू या चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं आमेन एंड देन लुक एट वर्स 31
जब वे प्रार्थना कर चुके when they had prayed the place was shaken where they were assembled together जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया and they all were filled with the holy ghost और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए and they spake the word of god with boldness और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे and they were all together one together in unity और वे सब के सब एक चित और एक मन में थे praise the lord And then down the line we read that these apostles were given great power. और इसके नीचे हम पढ़ते हैं कि इन चेलों को एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य दिया गया. What was their weapon? उनका हथियार क्या था? Prayer and worship. उनका हथियार था आराधना और प्रार्थना. And when they prayed and worshiped, और जब उन्होंने आराधना और प्रार्थना किया, the place where they seated were also shaken. और जिस जगह पर वो इकट्ठा हुए थे, वो भी हिल गई. A tremendous power was released through their prayer and through their worship. और उनकी आराधना और प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा सामर्थ्य वहाँ पर आया. And so when you worship God in the spirit that the Holy Spirit gives you, और जब आप परमेश्वर का आराधना करते हैं उस आत्मा ने आत्मा में जो पवित्र आत्मा आपको देता and है. And then sing unto the Lord. और जब परमेश्वर के लिए गाते हैं. In that wholehearted singing and worshiping. Releases heaven's mighty power to shake the foundations. और तब ये आराधना जो आप सच्चे मन से प्रभु के लिए करते हैं तो एक ऐसे बड़े सामर्थ्य को वहां पर लाती है जो वहां की नींव को भी हिला सकती है I will just read one more passage. एक और वचन को हम पढ़ेंगे Acts chapter 16. और प्रेतों के कार्य उसका 16वां अध्याय One more verse passage we read. एक और वचन हम पढ़ेंगे You know, we talk about this passage talks about two apostles. और ये जो वचन है ये दो चेलों के बारे में बात करता है. Apostle Paul and Silas. Paulus और Silas. Silas. They were on a missionary journey. और वे तो एक सेवकाई का जो यात्रा था उस पर थे. They came to a city called Philippi. और वो एक ऐसा स्थान या जगह या शहर था जिसका नाम फिलिपुस था वहाँ पहुँचे. According to God's own plan. और परमेश्वर की योजना के अनुसार. They came there. वो उस स्थान पर पहुँचे. You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? They were preaching Jesus. वो यीशु का प्रचार कर रहे थे. Giving hope and salvation to the people. आशा और उद्धार को लोगों को दे रहे थे. And the authorities and the religious leaders caught them. तब वो सरकार के जो लोग थे और जो धर्म के जो रक्षक थे वो वहाँ पर आ गए. And they were flogged. They were beaten. और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया. कैसे करना? खूब मारा ना? खूब मारा. खूब मारा अरे मारा इतना मारा ये क्या बताएं खूब मारा they were bleeding और वो पूरी रीति से लहूलुहान हो गए they were not given a glass of water और उन्हें एक ग्लास पानी का भी नहीं दिया गया so it was evening time और वो शाम का समय था their legs were put in stocks और उनके जो पैर थे उन बेड़ियों में बांध दिए गए बेड़ियों में ना सो इसका मतलब क्या है दैट इज अ प्लैंक वेयर देयर आर टू होल्स और ये कैसी थी ये बेड़ी कैसी थी एक ऐसा लकड़ी का पट्टा जिसमें दो छेद थे सो बोथ योर लेग्स आर पुट थ्रू दीस होल्स और इन दोनों छेदों में वो दोनों पैर डाल दिए गए सो दैट मीन दे वर फ्लैट और इसका मतलब ये था कि वो लेट गए जमीन And पर then on top of that, their hands were chained. और उनके उससे भी ऊपर उनके दोनों हाथों पर जो हथकड़ियां थी वो बांध दी गई And their body was bleeding. और उनके शरीर लहूलुहान था they were losing blood. और उनका खून बहता जा रहा And था the way they were bound, they could not sit, they could not stand, they could not lie down properly. और जिस तरीके से उन्हें बांधा गया था ना तो वो सही रीति से बैठ सकते थे ना खड़े हो सकते थे और ना लेट सकते थे राइट दे वर इन दैट कंडीशन एंड द मिडनाइट केम और मध्यरात्रि आई सो व्हाट वुड दे डू तो वो क्या करेंगे ऑल ओवर द बॉडी पेन पूरे शरीर में दर्द था एंड ब्लीडिंग और पूरा शरीर लहूलुहान था यू कैन इमेजिन द कंफर्ट लेवल दे वर एंजॉयिंग और आप तो सोच सकते हैं उस शांति या उस आनंद के बारे में जो वो महसूस कर रहे थे दे कुड नॉट
raise their hands. वो तो अपने हाथों को भी नहीं उठा सकते थे. They were chained. क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियां थी. So what did they do? तो उन्होंने क्या किया? They looked at each other. उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा. And Paul blamed Silas. तो पौलुस ने सिलास के ऊपर दोष लगाया. And Silas blamed Paul. और साइलस ने जो है पौलुस के ऊपर दोष लगाया. And they were accusing each other. और वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया. Silas said. और सिलास ने कहा. Hey Paul. Hey पौलुस. I know you are hot-headed. कि तू तो मैं जानता हूं कि बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति है. I told you many times. और मैंने तुझे कई बार कहा. Don't be so frank and openly preaching the gospel. कि कई मैंने तुझसे कई बार समझाया कि इतना खुल करके प्रभु का प्रचार मत कर. But you won't listen. लेकिन तू तो नहीं सुनेगा. And then Paul gave him a big shout. और तब पौलुस ने चिल्ला करके उससे कहा. डरपो. Is it what they did? क्या इस रीति से उन्होंने एक दूसरे से बात किया? How many of you say no? कितने लोग ना कहते हैं? Then what did they do? तो उन्होंने किया क्या? They looked at each other. उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा. And both of them began to encourage each other. एक दूसरे को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया. Paul said to Silas. पौलुस ने सिलास से कहा. Brother Silas. कि भाई सिलास. We are in this condition. हम तो इस स्थिति में हैं. But we are so glad that we are suffering for Jesus. लेकिन ये तो कितने आनंद की बात है कि हम यीशु के लिए सताए जा रहे हैं. And Silas said. और सिलास ने कहा. Brother Paul. कि भाई पौलुस. That is exactly what I was thinking. और इसी बात को तो मैं भी सोच रहा था. And you know what? Jesus is here with us. और क्या तुम जानते हो कि प्रभु यीशु हमारे साथ है यहाँ पर? Hallelujah. And so what can we do? और इसलिए हम क्या कर सकते हैं? We cannot stand up. हम तो खड़े नहीं हो सकते. But our mouth are free. लेकिन हमारे मुंह आजाद हैं. Our spirits are free. हमारी आत्माएं आजाद हैं. Our legs are not free. हमारे पैर में तो बेड़ियां हैं. Hands are not free. हाथों में भी बेड़ियां हैं. But our legs may be bound. हमारे हो सकता है पैर बने हुए हैं. But our mouth are free. लेकिन हमारा मुख तो आजाद है. Our spirit is free. हमारी आत्मा आजाद है. So what shall we do? इसलिए हमें क्या करना है? We will lift up our voices. हम अपनी आवाजों को उठाएंगे. And we begin to worship God. और परमेश्वर का आराधना करेंगे. We want to thank him. हम उसका धन्यवाद करेंगे. For what? किस लिए? For the privilege of suffering for Jesus. उस मौके के लिए कि उसने हमें वो मौका दिया कि हम उसके लिए सताए जा सकें. And that's what they did. और इसी बात को उन्होंने किया. Suddenly they could not raise their hands. और वो अपने हाथों को तो नहीं उठा सकते थे. They could not even sit down. और वो तो बैठ भी नहीं सकते थे. Or stand up. और खड़े होने भी नहीं हो सकते थे. Because that was their condition. क्योंकि इसी रीति से उन्हें बांधा गया था. Empty stomach, hungry, thirsty. और उन्हें ना तो पानी दिया गया और ना तो खाना दिया गया. And you know, the only thing they could do was lie down like this. और जो एक बात वो कर सकते थे वो इस प्रकार से लेट सकते थे. Hands are chained. और उनके हाथ बांधे हुए थे. Legs are in stocks. और उनके जो पैर थे उस लकड़ी के पट्टे से बांधे हुए थे. They looked at each other. और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा. Our mouths are free. लेकिन हमारे जो मुंह है वो आजाद है. Our spirits are free. हमारी आत्मा आजाद है. So let us sing unto the Lord. तो आइए हम परमेश्वर के लिए गीतों को गाएं, उसकी आराधना करें. They began to sing. और उन्होंने गीतों को गाना शुरू किया. Hallelujah. Hallelujah. Song they must have sung. और वो कौन सा गीत उन्होंने गाया होगा? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान. अरे गाये ना, गाये ना. पाइमा, हालेलुया. And as they were singing, और जैसे वो गा रहे थे, they were filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. And they began to worship the Lord. और उन्हें परमेश्वर का आराधना किया. Oh Lord God. अरे परमेश्वर. God of heaven and earth. ओ स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर. We worship you. हम तेरी आराधना करते हैं. Now, I am lifting my hands, but they could not lift their hands. आप मेरे हाथों को तो उठते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं उठ सकते थे. Hallelujah.
You are the King of Kings. आप राजाओं के राजा हैं. You are the Lord of Lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं. You live in an unapproachable life. प्रभु आप तो एक असीम ज्योति में रहते हैं. Hallelujah. और हम तेरे लिए हालेलुया को गाते हैं. तेरा नाम आशीषित हो प्रभु. Hallelujah. Where are the believers? Say hallelujah at least with me. Amen. Hallelujah. And as they were worshiping, और जैसे वो आराधना कर रहे थे, you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Suddenly, अचानक से, the chains were broken. वो जो बेड़ियां थी, वो टूट गई. Hey, we are free. और उन्होंने कहा अब हम आजाद हो गए. And the stocks were broken. और वो जो लकड़ी के पट्टे थे, वो टूट गए. And they began to stand. और वो खड़े हो गए. And they began to dance. और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया. And they began to worship God. और उन्होंने परमेश्वर का आराधना शुरू कर दी. Hallelujah. They began to worship the Lord. और परमेश्वर का आराधना करा. As they worship, और जैसे उन्होंने आराधना को किया, something else happened. और भी कुछ हुआ. That worship and praising the Lord has so much power. The foundations of the prison were shaken. उस आराधना में और उस प्रार्थना में इतना सामर्थ्य था कि जेल की नींव को भी हिला दिया. Hallelujah. Hallelujah. Foundations of the prisons were shaken. उस जेल की नींव भी हिल गई. And not only that. और इतना ही नहीं. The doors of all the prison doors were flung open. और जेल के सारे दरवाजे खुल गए. And the windows were open. और सारी जो खिड़कियां थी वो खुल गई. And not only their chains were broken. ना केवल उनकी बेड़ियां टूट गई. But other prisoners' chains also were broken. लेकिन जो और भी वहां पर थे उनकी भी बेड़ियां टूट गई. Hallelujah. That is the power of your worship. ये है वो आराधना का सामर्थ. Is there any chain that is binding you? क्या ऐसी कोई बेड़ी है जिसने आपको पकड़ा हुआ है? Chain of loneliness. वो एक अकेलेपन की बेड़ी. Chain of pain. वो दर्द की बेड़ियां. Chain of fear. वो भय की बेड़ियां. Chain of doubts and fears. और वो मन मुटाव की बेड़ियां. What is the chain that is binding you? वो कौन सी ऐसी बेड़ी है जो आपको बांधे हुए है? This morning. आज की सुबह. There is one answer. एक ही उत्तर है. If you want your chains to be broken. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेड़ियां टूट जाएं. Unreservedly give yourself to worshiping God before you leave. बिना किसी कारण के परमेश्वर को आप खुद को दे दें और उसका आराधना करें. Your chains will be broken. आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी. And you will be free. और आप आजाद हो जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Whether it is sickness chain. चाहे वो उस रोग की बेड़ियां. Loneliness chain. वो चाहे अकेलेपन की बेड़ियां. Fear chain. चाहे वो भय की बेड़ियां. Any kind of chain. किसी भी प्रकार की बेड़ियां. वो कौन सी बेड़ी है जो आपको बांधे हुए है? The very foundation of that prison in which you are will be shaken. वो जैसी भी जेल जहां पर आप हैं, उसकी नींव भी हिल जाएगी. Another thing. एक और बात. See, only two believers were there. खाली दो विश्वासी वहां पर थे. In their affliction. और उनके उस दर्द के समय में. In their pain. उनके उस दर्द में. In their hunger. उनके उस भूख में. In their extreme weakness. और वो उनकी कमजोरी में. They were not thinking of themselves. वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे. They were thinking of how great our God is. वो तो सोच रहे थे कितना महान है हमारा परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. And they began to honor him by worshiping and singing the praises. और वो परमेश्वर का आदर करने लगे उसकी आराधना और प्रशंसा के द्वारा. And you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Not only their chains were broken. ना केवल उनकी बेड़ियां टूट गईं. When the believers begin to praise and worship God in that manner. और जब विश्वासियों ने प्रार्थना और आराधना करना शुरू किया उस तरीके से. Others who do not know Jesus. वे जो यीशु को नहीं जानते थे. But they know you. लेकिन वो आपको जानते हैं. They meet you every day. वो आपसे हर दिन मिलते हैं. But they don't have the kind of life and hope you have. लेकिन उनके पास वो जीवन और आशा नहीं जो आपके पास है. And because of your worship of True God. लेकिन आपकी आराधना जो आप सच्चे परमेश्वर के लिए करते हैं. Their own chains will be broken. उनकी बेड़ियां भी टूट जाएंगी. Your friends chains will be broken. आपके दोस्तों की बेड़ियां टूट जाएंगी. Hallelujah. 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 Oh, what a glorious God we have. कितना महिमा युक्त परमेश्वर.